जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका फ्लाई डिफेंस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया के द्वारा बनाया गया सुखोई SU-57 फाल्कन के बारे में। रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसकी मदद से रूस यूक्रेन पर भारी तबाही मचा सकता है, इसलिए यह रूस के लिए रणनीतिक फायदेमंद माना जा रहा है। रूस की सेना ने 71 SU-57 का ऑर्डर दिया है और अभी तक 5 ही ऑर्डर मिल पाए हैं। SU-57 फाइटर जेट को एक पायलट उड़ाता है। इसकी अधिकतम गति 2135 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हैरानी की बात यह है कि ये सुपरसोनिक स्पीड में 1500 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में तेजी से हमला कर सकता है। SU-57 फाइटर जेट की लंबाई 65.11 इंच होती है और जबकि इसका विंग स्पेन 46.3 फीट होता है और इसकी ऊंचाई 15.1 फीट है। यह दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है क्योंकि इसमें बेहतरीन एवियोनिक्स, एंटी रडार तकनीक और हथियारों का समावेश किया गया है। रूस का यह स्टेल्थ फाइटर जेट अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी अधिकतम ऊंचाई से भी दुश्मन पर सीधा हमला कर सकता है। यह किसी फाइटर जेट की उड़ान के लिए अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई है। ऐसी ऊंचाई पर फाइटर जेट को आसानी से देखा नहीं जा सकता है। इसके अंदर 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी होती है, यानी दुश्मन के फाइटर जेट, टैंक या बख्तरबंद वाहन पर ताबड़तोड़ गोले बरसा सकती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट होते हैं, 6 अंदर और 6 बाहर की ओर। हवा से हवा में मार करने के लिए इसमें 810 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और हवा से सतह पर मार करने के लिए इसमें KH-59 MK-2 मिसाइल लगाई जा सकती है। यानी आसमान से जमीन या जंगी जहाज पर हमला करना आसान है। इसके अलावा इसमें KS-35U सीरीज की मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इस फाइटर जेट में एंटी रेडिएशन गाइडेड, अनगाइडेड क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमिंग बम लगाए जा सकते हैं, यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने के सारे हथियार इसमें मौजूद हैं। साथ ही दुश्मन के रडार से बचने के लिए भी इसमें कई सारे सेंसर और एवियोनिक्स लगे हैं। फिलहाल इस फाइटर जेट का इस्तेमाल सिर्फ रूसी एयरफोर्स कर रही है, लेकिन इसके 4 वेरिएंट्स हैं। और नंबर 1 पर है SU-57 बेसिक, यानी पहला फाइटर जेट। दूसरा SU-57E एक्सपोर्ट वर्जन। तीसरा SU-57M जो अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अलावा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA है। FGFA को लेकर भारत के साथ प्लानिंग थी। इसमें सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मिलकर काम करने वाले थे, लेकिन भारत ने साल 2018 में इस प्रोग्राम से खुद को अलग कर लिया और अब अपने स्वदेशी फाइटर जेट MCA पर फोकस किया जा रहा है। आपको यह वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।